बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट ले। अपना ध्यान देह के सबसे ऊंचे स्थान पर, एकाग्र करें। त्रिकुटी की कुटिया में विराजमान मैं परम पवित्र आत्मा हूं। म्यारी प्यारी, इस देह से बिल्कुल अलग परमात्मा के द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर अपने आत्मिक गुणों का चिंतन कर रही हूं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं हूं ही संपूर्ण पवित्र, पवित्रता ही मेरी पर्सनालिटी है। नंबर 1 पर्सनालिटी, विश्व की बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी। मैं महसूस कर रही हूं पवित्रता के महासागर, शिव बाबा की पवित्रता की गोल्डन किरणें परम धाम से निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सभी अनुभव करें, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखें पवित्रता का गोल्डन प्रकाश परम धाम से निरंतर मुझ पर पड़ रहा है। बाबा की इन पवित्र किरणों में मैं आत्मा स्वयं को समाया हुआ महसूस कर रही हूं। मुझसे होते हुए पवित्रता का ये प्रकाश देह के अंग अंग में फैल रहा है। विजुलाइज करें पवित्रता का गोल्डन प्रकाश ब्रेन में, चेहरे पर, शरीर के अंग अंग को प्रकाशित कर रहा है। मैं पवित्रता आत्मा की पर्सनालिटी सर्वात्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित कर रही है। मैं आत्मा अपनी शुभ प्रवृत्ति से, वरदानी महादानी वृत्ति से पवित्रता के श्रेष्ठ उच्चतम वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलते हुए देख रही हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप
लाइट हाउस है, उससे चारों तरफ ये पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं। सभी आत्माओं को पवित्रता की श्रेष्ठ वाइब्रेशन उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, उन्हें परमात्म मिलन का रास्ता दिखा रही है, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करा रही है। सभी को शांति और सुख की अनुभूति हो रही है। प्रकृति के पांचों तत्व इन पवित्र वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, समा रही है। ये धरा फिर से सतो प्रधान बन रही है। जैसे पवित्रता की प्यासी धरती इन पवित्र किरणों के जल को पाकर तृप्त हो रही है। सभी आत्माओं को महसूस हो रहा है ये रूहानियत का आकर्षण। सभी को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है। सब आत्माओं को मुझ आत्मा के द्वारा अपने इष्ट का साक्षात्कार हो रहा है। सभी आत्माएं बाबा को पहचान रही, यही है सर्व प्राप्तियों का रास्ता, यही है। हमारा बाबा आ गया है। सभी उस सर्वोच्च सत्ता को मान रही है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्तिशाली उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होकर इन परमात्म किरणों को चारों तरफ फैलाते हुए फिर से स्वयं को मस्तक के बीच चमकता हुआ देख रही। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्रता की पर्सनैलिटी वाली सर्व प्राप्तियों का चुंबक हूं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली
1978 का पार्ट 2 है, जो मूवी पहले पढ़ी गई थी उसी की कंटिन्यूटी में है। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। तो जैसे बाबा ने मुरली का जो पहला पार्ट था उसमें कहा था कि जो बाबा के साथ अब रहते हैं, बाबा के साथ सहयोगी रहते हैं, जिनके गुण नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन है, बाबा के साथ वो समानता ही समीपता को लाती है। और बाबा ने कहा था कि जितना आप बाबा के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में आत्माएं आपके गुण गाएंगी। और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि जो मैंपन है, ये जो इसका त्याग है वही सबसे बड़ा त्याग है, और अष्ट नंबर का आधार भी यही त्याग है, यही इस यज्ञ की अंतिम आहुति है, मैंपन के अश्व को स्वाहा करनी। तो अभी इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। बाबा के सामने लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख दादी जानकी जी और अन्य महारथी बहन हैं, भाई बहन हैं, कि बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के ये उच्चारे हुए महावाक्य हैं। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकेंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले। तो आज का जो हम मुरली का पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की है, और बाबा ने बताया है कि जो प्योरिटी है वही जो है सबसे नंबर 1 पर्सनालिटी है, विश्व की बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, और इस पर्सनालिटी से ही सब झुकेंगे। तो बाबा ने कहा अभी हमारा जो स्वरूप है वो सर्व प्राप्तियों के चुंबक का होना चाहिए, जो इतनी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, वो अगर हमारे अंदर प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी तो ये सारा काम ये पर्सनालिटी ही करेगी, सबके सिर झुकवाएगी। तो बाबा ने कहा भी आपको अपने वरदानी और महादानी वृत्ति से जो विश्व का वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, उसका परिवर्तन करना है, और अपने लाइट हाउस स्वरूप से सबको मंजिल का रास्ता बताना है, ताकि सबको महसूस हो कि गति सदगति का रास्ता, शांति कुंड, सर्व प्राप्तियों का कुंड यही है, उनको न्यारेपन का अनुभव हो, ऐसा लगे साधारण है लेकिन शक्तिशाली है, सत्यता है यहाँ, तो वो उनको महसूस होना चाहिए। तो पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य, सभी ध्यान से सुने। दीदी जी से मुलाकात। भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। बाबा पूछ रहे हैं क्या प्लान बनाएंगे। जो भी किया है वह तो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है, बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसकी सफलता किस पे डिपेंड करती है, तो बाबा बता रहे हैं रिवाजी रीति किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है। कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो, बाबा पूछ रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय, तो बाबा कह रहे क्या थी उसकी सफलता का आधार। साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनालिटी का रहता है, कि किसी प्रोग्राम में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी बहुत ऊंची पर्सनालिटी हो तो वो उससे सफल हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की पर्सनालिटी ही हर प्रोग्राम की सफलता का आधार रहता है। जैसी पर्सनालिटी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो, कि हमें कौन सा जो भी
रखती हैं तो क्या होता है कि ताकि सब जगह उसकी आवाज उसका फैले चारों तरफ, विशेष पर्सनालिटी आवे जिससे स्वतः आवाज बुलंद हो जाए, तो पर्सनालिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनालिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। कोई अच्छी पर्सनालिटी वाला है, बहुत नाम है, तो वो क्या है, आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। तो बाबा हम सबसे कह रहे हैं आपकी भी क्या हो, पर्सनालिटी चाहिए सेवा में। पर्सनालिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन सी चाहिए? कोई बाहर से भी, शारीरिक रूप से भी अगर जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है तो वो सबको आकर्षित करता है। तो बाबा कह रहे हैं अभी आपको कौन सी पर्सनालिटी चाहिए, तो बाबा बता रहे हैं प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। तो बाबा प्योरिटी पे जोर दे रहे हैं कि प्योरिटी ही पर्सनालिटी इस ब्राह्मण जीवन की, और जितनी प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी सबके सिर खुद ब खुद झुकेंगे। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, क्यों झुकाते हैं सन्यासियों के आगे, कि वो पवित्र रहती हैं, तो वो तो अल्पकाल की पवित्रता है, थोड़े समय की। तो बाबा कह रहे हैं वो कि जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण प्योरिटी की पर्सनालिटी बड़े बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, कोई कैसा भी वातावरण हो, छोटी सी अगर अगरबत्ती खुशबू वाली लगा दी जाए, पूरी जो वातावरण की जो बदबू है उसको वो समाप्त कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव हो। जैसे कोई प्योर आत्मा आती है, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा आती है, तो उसकी प्योरिटी की खुशबू चारों तरफ फैल जाए, जहां देखे वहां प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए, सारी ब्राह्मण आत्माएं बिल्कुल प्योर हो जाएं, प्योरिटी की आकर्षण सबको खींचेगी। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं। बाहर की जो आत्माएं इतना जो है इम्प्योर हो चुकी हैं, चारों तरफ इम्प्योरिटी का बोलबाला है। तो बाबा कह रहे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, हम परमात्मा के द्वारा प्योर बने हुए बच्चे, उसकी आज्ञा पर चले, तो वो जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है वो सबको आकर्षित करेगी, और इसी की ही सभी को जरूरत है, सब इसका अनुभव करना चाहते हैं, वो तो मानते ही नहीं कि पवित्र भी रह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है, लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशंस नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है वो भी बाबा बता रहे हैं कि प्योर तो रहते हैं वो अल्पकाल के लिए, लेकिन वो वाइब्रेशन उनसे नहीं आते हैं। उसका कारण बाबा बता रहे हैं क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं, जो भी उनको उसके द्वारा मिलती है संन्यास के जरिए, उसके नाम मान शान को वो ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। जैसे कि कल की जो लास्ट इसका पहला पार्ट था उसमें भी बाबा ने कहा कि मैंपन को स्वाहा करो, तो यहाँ पर भी जो बाहर की आत्माएं हैं उसमें मैंपन आता है, उनमें नाम मान शान को ले लेते हैं वो, इसलिए वो वाइब्रेशन नहीं है। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है लेकिन प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता है। अब बाबा हमें क्या कह रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्योरिटी की पर्सनालिटी चाहिए। जो पर्सनालिटी स्वयं ही आकर्षित करे,
प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनालिटी है, तो सब स्वयं ही भागते हैं ना। तो यह पर्सनालिटी सबसे नंबर वन है, वो तो फिजिकल औहदे की पोजीशन की पर्सनालिटी है, प्राइम मिनिस्टर की या कोई भी बड़ी पोजीशन की। लेकिन बाबा कह रहे कि जो पवित्रता की पर्सनालिटी है, ये सबसे नंबर वन है। अभी यह प्लान बनाना, धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाली भी यह पर्सनालिटी है, जो धर्मात्माएं हैं उनको भी यह आकर्षित करती है। वह अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं, हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये इस नजर से देखते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, लेकिन पर्सनालिटी समझकर सामने आए कि यह विश्व की बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करें। उन्हें लगे कि हम तो कुछ और सोचते थे, लेकिन इनके पास तो हमसे कहीं गुना ज्यादा प्योरिटी की पर्सनालिटी है। वो उनको अनुभव होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। वो लोग ये महसूस करें, हम सोचते भी नहीं थे जिस बात को कि वो जीवन में ला सकते हैं, वो इनके प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई दे रही है। यह है महारथी को नीचे गिरा, कि जो अपने आप को वो इतना बड़ा महारथी समझते हैं, वो तो वो क्या हो जाएंगे, इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरने के समान। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनालिटी में झुक जाए, वो मान जाए कि इनके पास हमसे जो हमारे पास नहीं वो इनके पास है, वो मान जाए इस पर्सनालिटी के आगे, वो झुक जाए। अभी बाबा कह रहे हैं, अभी स्वयं का स्वरूप, सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, कि हमसे जो भी मिले जो भी देखे उनको सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो, जहां देखें जिसको देखें प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है, कि हम खुद सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएं, चुंबक के समान बन जाएं, कि हमारी तरफ जो भी आत्मा है उसको सर्व प्राप्तियों का अनुभव हो। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा आप सर्व प्राप्ति स्वरूप का चुंबक बनो। अब बाबा कह रहे हैं, अभी तो मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम प्योरिटी की पर्सनालिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नजर से देखते हैं, अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है जैसे हैं वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ, और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। ये हमारे जो वाइब्रेशन कैसे हो, वरदानी और महादानी वृत्ति, सबको प्राप्तियों की अनुभूति हो, परमात्म मिलन का रास्ता सबको मिले, तो ऐसे वाइब्रेशन हमें चारों तरफ फैलाने हैं। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जाएं, भक्ति में कितना लोग भटकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जप तप हवन न जाने क्या क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, वो बेचारे भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, कहाँ जाएं। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। ज्ञान सागर, सर्वशक्तियों के सागर शिव बाबा और हम सब ज्ञान नदियों का जो सही स्थान है, वो उसका परिचय उनको नहीं मिला है, कि अभी परमात्म सागर और नदियों का मिलन मेला है, चल रहा है, बाबा बाबा का परिचय उनको नहीं मिला है, इसलिए वो ढूंढते ज्यादा है। तो बाबा कह रहे हैं,
अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। सब आदमी किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, किसके लिए तड़प रहे हैं? शांति हो, सुख की अनुभूति हो, परमात्मा मिले। तो बाबा कह रहे हैं आप लाइट हाउस का स्वरूप बनो। तो लाइट हाउस क्या करता है? चारों तरफ रोशनी फैलाता है। तो बाबा कह रहे हैं आप लाइट हाउस का स्वरूप बनकर ये मंजिल का रास्ता उनको दिखाओ। अच्छा, अभी बाबा जानकी दादी जी से बात कर रहे हैं। लंदन में भी धर्म आत्माओं का चांस है। तो बाबा दादी की जो सेवा लंदन में है, तो बाबा कह रहे थे कि धर्म आत्माओं को चांस है, जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो। सेवा हो तो सेवा कैसे हो, रूहानियत का आकर्षण हो उसमें। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझे सर्व प्राप्ति कुंड यही है। ये सब आत्माओं को महसूस हो कि हम जो भक्ति में कुंड बना रहे हैं शांति के लिए तीर्थ स्थानों पर, लेकिन ये सर्व प्राप्तियों का कुंड है। उनको ये महसूसता हो, अनुभव हो। अब वो कैसे होगा? बाबा कह रहे हैं न्यारापन अनुभव हो कि ये अलग है। साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली हो, और यह सत्यता महसूस हो कि दिखने में तो सब साधारण है लेकिन अलग है, इनका जीवन अलग है। सब महसूस करें कि ये सत्यता है, किस सत्य मार्ग पर है। इस सत्यता को सभी महसूस करें कि ये शक्तिशाली आत्माएं हैं, कि इनका जो ये जिस ज्ञान को कर रहे फॉलो वो क्या है, शक्तिशाली है। तो ये सत्य उनको महसूस हो। ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नजर से कहाँ बिठावे, क्या करें, कुछ सूझेगा ही नहीं। भक्ति में देवी देवताओं को जो यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको कैसे उठाते हैं हाथों में लेके? तो बाबा कह रहे हैं सिर आंखों पे लगाते हैं उनको। तो बाबा कह रहे हैं आपको देखकर उनको लगेगा कि कहाँ बिठाएं हम इनको, महिमा में क्या बोले क्या ना बोले यह सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। अच्छा, ये जो अव्यक्त वाणी थी इसकी कुछ विशेष बातें हैं, वो पढ़ेंगे। समानता ही समीपता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। किनके? जो हम संग हमेशा हम बाबा के अगर समीप जितना यहाँ रहेंगे तो उतना ही बाबा कह रहे हैं उनके भी गुणगान होंगे। अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हो। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है, यही बड़े से बड़ा त्याग है। मैंपन का त्याग ही सबसे बड़े से बड़ा त्याग है। बाबा ने कहा यही अष्ट रत्न में आने का आधार भी है। थर्ड पॉइंट है, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर ये दोनों का काम यह है प्योरिटी की पर्सनालिटी करेगी।
अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। तो सभी मुरली पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया? ओम शांति। बाबा ने आज जैसे कहा कि हम जितना जितना बाबा का गुणगान करेंगे उतना ही हमारा भी दूसरी आत्माएं गुणगान करेंगी, लेकिन उसके लिए बाबा ने विशेष कहा कि मैंपन नहीं होना चाहिए। जी जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, तारा बहन जी बोलिए, एक एक ओम करके बोलिए शांति बोलिए। जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्सनालिटी उसका साधन बनती है, और जिसकी पर्सनालिटी होती है बुलंद वो उस कार्य को सफल करने में निमित्त बनता है। तो बाबा ने कहा ऐसे हमारा भी जो कार्य है, बाबा का कार्य है, उसको सफल करने के लिए हमें पर्सनालिटी अपनी बुलंद करनी है, और वो पर्सनालिटी है प्योरिटी की। तो बाबा ने कहा जैसे कि साधु और सन्यासी होते हैं, उनमें प्योरिटी होती है, उस प्योरिटी के बेसिस पे सब उनके आगे झुकते हैं, पर वो अल्पकाल की प्योरिटी है। तो बाबा ने कहा हमारे पास हमारी सदा काल की प्योरिटी होए कि उस प्योरिटी से हम वायुमंडल को परिवर्तन कर सकें। ओम शांति। जी बोलिए, तारा बहन जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस किया है। ठीक है, अनम्यूट अश्विनी नहीं हो रहा है। बहन जी बोलिए। नहीं, ये अनम्यूट तारा बहन का नहीं हो रहा है शायद। जी, बोलिए अश्विनी बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें परमात्मा की शक्ति चारों ओर फैलानी है पूरे विश्व पर, तभी सभी आत्माएं उस परमात्मा की साकाश का अनुभव भी कर सकते हैं और चारों ओर फैल भी सकती है हमारी शक्तियां परमात्मा की। ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो बाबा ने कहा है कि हम आत्माओं को कैसे आकर्षित करेंगे, जब हमारे में प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी ना, तब आत्मा हमारे तरफ झुकेंगी और आकर्षित होगी। तो बाबा ने अगरबत्ती का ही एग्जाम्पल दिया, जब खुशबू फैलाएंगे तब आत्माएं आकर्षित होगी। तो इसमें जब हमारे में कोई मेरापन नहीं रह जाएगा, ना नाम मान शान कुछ भी नहीं रहेगा, तभी आत्मा आकर्षित होगी। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? कुछ शेयर करेगा? बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज चींटी और हाथी का एग्जाम्पल दिया है। चींटी जैसे इतने बड़े हाथी को गिरा सकती है, वैसे ही जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनती है, उससे उसके आगे कितनी भी बड़ी चीज आई वो उससे ऊपर रहता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, और प्योरिटी हमें बनाना है, निभाना है और फॉलो करना है। ओम शांति।
जी बोलिए ये ज्योति बात जी। अच्छी लगी कि जो धर्म शास्त्र में जो है साधु महात्मा वो सब उनकी प्योरिटी है, लेकिन उनकी छिप जाती है नाम मान शान में, उसका माइनस हो जाता है। लेकिन बाबा बोले कि आपकी प्योरिटी अखंड है, और लेकिन अभी वो क्या बोलते कि माताएं और ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो जो सच्चाई है सत्यता उसको सामने लाना है कि ये प्योरिटी से चल रहा है और ये नंबर वन है पापा ने, इसके आगे कुछ भी नहीं, ये लास्ट में हो जाएगा। शांति। जी बोलिए राजेंद्र भाई जी, आपने माइक ऑन जी जी किया है, बोलिए। बाबा कहते हैं कैसी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान नहीं मिला, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। तो आप अपने लाइट हाउस स्वरूप से सभी को मंजिल का रास्ता बताओ। दूसरा, बाबा ने प्यूरिटी के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि प्यूरिटी सबको आकर्षित करती है, चाहे आने वाले समय में साधु संत महात्मा, इनको भी हमारी प्यूरिटी आकर्षित करेगी। अभी हमको थोड़ा सा मेहनत, एनर्जी, मनी लगानी पड़ती, फिर आगे चल के ये दोनों काम प्यूरिटी की पर्सनैलिटी करेगी। ओम शांति। जी बोलिए शैली बहन जी। ओम शांति मिस्टर। एक्चुअली वैसे तो भाई बहनों ने सारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो शेयर हो ही गए हैं, लेकिन उनका सम अप करते हुए इतना ही कर सकते हैं कि कह सकती हूँ कि मतलब बाबा ने आज प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, मेन तो टॉपिक बाबा का इसी के ऊपर ही है कि हमारी प्योरिटी ही हमारी पर्सनैलिटी है, और इसी से ही जितनी हमारे अंदर स्वच्छता शुद्धता पवित्रता होगी तो हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते हैं उसमें मिक्स चैरिटी है, जिसमें कि बाप मर्ज हो जाता है और हम प्रत्यक्ष रहते हैं। माना कि उसका कारण ये है कि हमारा देह भान, देह अहंकार, कि कई बार हम ऐसा ज्ञान कैसे हमारे मन में उसी समय ये सूक्ष्म जो वाइब्रेशंस हैं, एक तो होती है ना मुख की जो लैंग्वेज है, लेकिन ये जो हमारे संकल्पों की जो लैंग्वेज है ना, ये दूसरों को जल्दी उसके ऊपर उनको प्रभावित करती है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती है। तो बाबा उसमें हमारा मान शान हमें भी ले लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट मैंने उसको बोला है, तो वो समझने वाले भी उनको भी यही अनुभूति होती है कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि इनके अंदर की प्योरिटी उनको प्रभावित करती नहीं है कि ये कितने प्योर है, कितने शुद्ध है ना, ये बिल्कुल ही इनका जीवन कितना पावन है। तो ऐसे ऐसे करके उनको ये अनुभूति हो, और उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया साधु ऋषि मुनियों का भी। बाबा ने कहा कि वो कितना दुनिया में भी देखो तो वो कितना प्योर जीवन भी व्यतीत करते हैं, लेकिन उसमें उनका जो वो कर जो उनको सिद्धि स्वरूप बना देता है, उनकी जो सिद्धियां उनको मिलती है ना, उसका उनको अहंकार आ जाता है, वो भी एक तरीके का इम्प्योरिटी है उनकी प्योरिटी में। चाहे वो पवित्र ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, लेकिन जब उनका अहंकार सामने आ जाता है, जब सिद्धियों का अहंकार आता है, तो वो भी एक इम्प्योरिटी बन जाती है, जिससे कि उनका वो सब कुछ छिप जाता है, अल्पकालिक होता है। हमारा है जो अविनाशी है, जो भी हमारा जो बाबा हमें समझा रहे हैं, हमें पवित्रता का जीवन हमारा बना रहे, पवित्र जीवन बना रहे हैं, तो उसके लिए बाबा ने मूर्तियों का भी एग्जाम्पल दे कि कितना देखा जाए तो आप हमारी ही तो वो मूर्ति है ना, कितना वो सिर पर उठाए रखते हैं, माथे पर लगाते हैं हमारी मूर्तियों को, तो हमारा जीवन ऐसा हो अगरबत्ती के समान कि उसकी सुगंध इतनी सुंदर हो कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करे और दूसरे भी प्रभावित हुए बिना ना रह पाए। ओम शांति। जी बोलिए तेजल जी। ओम शांति। जो ये सभी भाई बहनों ने कहा बहुत ही सुंदर पॉइंट शेयर किए कि पवित्रता के ऊपर बाबा कहना चाहते हैं कि पवित्रता मान शान से भी आपको परे जाना है, मैपन से भी परे। लेकिन जो साधु महाराज वो लोग को जो झुकाएगी वो और भी एक बात है कि जो वो लोग सबको पवित्र नहीं बना सकते, स्पेशली जो युगल्स है उनको पवित्र नहीं बना सकते। और पवित्र बना भी लेते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक चलते भी नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा की योग की वजह से यहाँ युगल भी रहते हैं पवित्र और वो लंबे टाइम तक वो पवित्र रहते हैं। तो ये उनको पता नहीं है कि ये परमात्मा बना रहा है, पवित्रता का लेवल योग से बनवा रहा है, इसीलिए पवित्र रह रहे हैं। तो ये जब जानेंगे तब वो डेफिनेटली झुकेंगे कि ये किसका काम चल रहा है और क्यों वो लोग रह रहे हैं आजीवन पवित्र।
ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोलिए कविता ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने जैसे सेवा के बारे में जानकी दादी से कहा कि जैसे जहाँ भी हमें चांस मिलता है सेवा का, तो वहाँ रूहानियत का आकर्षण जरूर हो। और बाबा ने कहा कि जैसे तीर्थ स्थान होता है ना, वहाँ पे शांति कुंड और गति सदगति के कुंड बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को भी इतना हमारी स्टेज ऐसी हो कि दूसरों को न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो मगर शक्तिशाली हो, और सभी को सत्यता की महसूसता हो। तो अगर ऐसी स्टेज जब हम बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो स्थान जहाँ भी सेवा हम करते हैं वो शांति कुंड बन जाएगा। और ऐसी अवस्था हमारी जब बनेगी, तो हम धीरे धीरे विश्व का राज्य भी ले लेंगे। तो तब क्या होगा? बाबा ने कहा कि जैसे ये अंत समय की बात, जो सीन सीनरियां होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली बाबा ने बताया कि जब जड़ चित्रों को वो देख, अभी जैसे कि जड़ चित्रों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे उठाऊं इसे, कहाँ पे रखूं, तो वैसे ही उस नजर से हमको देखेंगे और वो सोचेंगे कि इनको कहाँ पे बिठाएं, उनको कुछ सूझेगा नहीं, क्या बोल हम बोलें, कैसे इनकी महिमा करें वो भी उनको सूझेगा नहीं। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से बताया। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या बताया? कि बाबा ने बात उनके समीप संबंध में आएंगे उसके बारे में बताइए ना दीदी, आप थोड़ा कैसे आएंगे, वो तो उनके साथ रहते हैं वो तो आएंगे, थोड़ा आपको जो समझा होगा। जितना हम बाबा के अंग संग यहाँ रहते हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग बात करूं, तुम ही से प्रीत की रीत निभाऊं, तो जितना हम यहाँ बाबा के साथ रहते हैं उतना ही हम वहां भी रहेंगे। क्योंकि हम सभी अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्मा ही है ना बाबा के, तो यहाँ पर हम जितना अव्यक्त रूप से बाबा के साथ रहते हैं ना, उतना ही हम वहां रहेंगे। वो तो साकार पार्ट में जो साथ में थी उनका अलग है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बाबा के जितना अंग संग रहेंगे, अपने साथ रखेंगे बाबा को, वहां पर भी हम उतना ही साथ रहेंगे। और किसी को कुछ शेयर करना है? और मैं थोड़ा कुछ बोलिए ऐड करूं बोलिए। तो इसमें ये भी है कि शिव बाबा को हम याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा को याद करना है। तो हम शिव बाबा को जितना अंग संग, तेरे संग उठूं बैठूं खाऊं, वो सब करते हैं, लेकिन आते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ। वाई? क्योंकि अभी बाप और दादा दोनों साथ में है। तो जब भी हम बाप के लिए याद में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बाबा को ये लागू हो ही जाता है। इसलिए जब भी हम सतयुग में आएंगे, तो जितना हमने शिव बाबा को याद किया है उतना ही ट्रांसफर होगा, तभी ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समीप रहेंगे। तो ये है उसका सूक्ष्म रहस्य, ऐसा लगता है। ओम शांति। जी, एक जो अव्यक्त मुरली थी ना, एक मुझे ईयर का याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा ने कहा था, बाबा जैसे किसी को बिंदु रूप में साथ रखना बाबा को मुश्किल लगता है, तो दूसरा रूप है बाबा के आकारी रूप में बाबा को देखना, शिव बाबा को, तो उसकी अंग संग रहना। क्योंकि हम सबको 63 जन्मों से देह भान के कारण देह को देखने की आदत पड़ी है, तो बाबा कह रहे देखो देह को, लेकिन आकारी देह को देखो, और खुद को भी आकारी समझकर। तो उसमें शिव बाबा को देखना है। आग जैसे अभी तेजन बेन जी ने बताया कि ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में शिव बाबा को देखो, जिनको मुश्किल लगता है, नहीं तो जो बाबा का असली स्वरूप है बिंदु रूप, तो बिंदु रूप में बाबा को देखना, तो वो तो सर्वशक्ति स्वरूप है बाबा का, उस स्वरूप में बाबा को देखना। जो इस बार अव्यक्त बाप दादा का मिलन था, उसमें जो सूरज भाई का क्लास चला था, उसमें भी सूरज भाई जी ने कहा बाबा को बिंदु रूप में देखो,
लेकिन वो क्या है, सर्वशक्तियों का स्वरूप देखो, उनको परम धाम में याद करो। तो हम अगर बाबा को बिंदु रूप में जितना याद करेंगे तो अपने आप हम तो ब्रह्मा बाबा के खुद ब खुद नजदीक आएंगे। दूसरा स्वरूप है आकारी रूप में, ब्रह्मा बाबा के आकारी रूप में शिव बाबा को देखो, तो उसके भी हम अंग संग जितना रहेंगे वो भी क्या है, खुद ब खुद हमें वहां पर भी सतियों की दुनिया में भी पूरा, जो आज जो ये मुरली थी उसके स्टार्टिंग में बाबा ने बताया था कि भक्ति में भी साथ में पाठ रहेगा, ज्ञान में भी पाठ रहेगा, पूज्य स्वरूप में भी पाठ रहेगा और पुजारीपन में भी पाठ रहेगा साथ में, तो उतना हमारा बाबा के साथ श्रेष्ठतम पाठ रहेगा इस कल्प में। बोलिए ओम राजेंद्र शांति। दीदी जी, मुझे थोड़ा सा ऐड करना था। ये जो जी। हम बाबा कहते संघ की जो बात चल रही है, बहुत ही सुंदर, सभी अपने विचार रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे विचार हैं। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा बाबा जो सुनाता है, ये जो चार सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में हमें बाबा के साथ रहना है। ज्ञान में मुरली की बात आती है, तो एक दिन भी हमारी मुरली मिस ना हो और मुरली हम सेंटर पे जाके सुने, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो के सुनना, बाप के संग में रहना है। ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर सुना रहे, तो ये भी अगर हम ऐसे सुनते हैं तो ये बाबा का संग है, कंबाइंड है। दूसरा योग, जो अभी सभी ने विचार रखे, चाहे अव्यक्त स्वरूप में हो, चाहे आकारी साकारी, जो भी कुछ है, तो बाबा के संग में रहकर ही अगर हम सारा दिन व्यतीत करते तो शुद्ध संकल्प जमा होंगे, समर्थ संकल्प जमा होंगे, ये भी बाबा के कार्य में हमारी मदद हो जाती है। और धारणा के लिए बाबा ने कहा है, जैसे बाबा का आदेश है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए हम धारणा पे अटल रहे, ये भी बाबा के साथ हमारा रिगार्ड रिस्पेक्ट है, संग है, समीपता है, दृढ़ निश्चय है। और फिर सेवा, सेवा के बारे में तो बाबा कहते कि बस अपना तन मन धन श्वास समय, जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, तुम स्थूल और सूक्ष्म, तुम्हारी प्रॉपर्टी को स्वाहा करो, सफल करो, चाहे श्वास समय संकल्प, ये सूक्ष्म, तन मन धन ये स्थूल। तो ये भी मेरे विचार से बाबा के संग में हम रहते, जिसको हम बहुत प्यार करते, प्यारी ते प्यारी चीज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू, और ये अव्यक्त मास चल रहा है, तो स्थिति बनाने के लिए भी ये विचार मुझे आया। ये चारों सब्जेक्ट के माध्यम से हम बाबा के साथ और समीप संग अंग संग रह सकते। ओम शांति। जी ओम शांति। तो एक क्लास में हम बताते हैं कि एक बाबा का जो टाइटल जो है ना, जो दिया है, निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना कि योग भी निरंतर, और बाबा ने कहा जब निरंतर योग माना बाबा का निरंतर साथ। कुछ समय ऐसा अभ्यास करना कि जो बाबा ने कहा ना कि बाबा के भी गुणगान गाओ। एक 2-3 दिन पहले एक मुरली आई आई थी ना साकार की, कि तीन प्रकार के स्वयं के गुण, बाबा के, और फिर और किसके बताए थे आपको देवताओं याद के, है? देवताओं के, देवताओं के। जी अच्छा जी वे साकार और अव्यक्त मुरली ना थोड़ा सा ऐसा मिक्स करना, ताकि बाबा के जो, क्योंकि पढ़ाई तो एक ही है ना, जैसे बाबा ने आज सुबह सुबह सतयुग का वर्णन किया अव्यक्त मूल्य में ना, तो ये क्या है बाबा जो बताते हैं ना कि इसमें हमें जाना है। इससे ये बाबा ने भी बताया ना कि समय समानता ही समीपता लाए। क्यों ऐसे बाबा ने कहा, जितना जितना अपनी बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो सतयुग के संस्कार इमर्ज करेंगे ना, उतना हमारे अंदर वो संस्कार ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है ना, इसके लिए अभी कुछ समय के लिए हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि हम बाबा के गुणगान गाएंगे, बाबा हमारे गुणगान गाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो करने से पहले आज का जो होमवर्क है, तो होमवर्क क्या क्या लेंगे, कल्पना बन जाए क्या?
जी वर्षा बहन जी, कुछ बोलना है। ओम शांति। हम सभी का सुन रहे थे और हमें जो बाबा ने टचिंग की है वो सार में कहने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय कम है अभी। जैसे ये आज की जो मुरली चली है उसमें सुप्रीम पर्सनालिटी इस कार्य में कार्य कर रही है। जैसे यहाँ पे कहा है ना कि जैसे पर्सनालिटी होती है उस आधार पर वो कार्य सफल होता है, तो सुप्रीम पर्सनालिटी कार्य कर रही है। ऐसे अगर सब अभी हम सब याद रखते हैं और आज की अगर अव्यक्त वाणी को लेते हैं तो बीच बाबा है और हम तना है। तो ये जो रूहानी आकर्षण सभी आत्माओं को आकर्षित करने के लिए जो बाबा कह रहा है, तो वो हो सकता है कि निरंतर मैं तना हूँ और जो भी ले रही हूँ बीच से ले रही हूँ। तो वो जो अगरबत्ती की बात कही है तो अपने आप सारे टाल टालियों के लिए ये सुगंध, जो रूहानियत का सुगंध है, वो फैलता रहेगा। तो मेन थिंग बाबा सब करा रहा है और मैं निरंतर बाबा के साथ यानी बीच के साथ जुड़कर तने का काम करूंगी। तो ये रूहानी वाइब्रेशंस सारे कल्पवृक्ष के पत्तों को जाएंगे और वो झुकेंगे। अर्थात क्या होगा, जैसे आज की अव्यक्त मुरली में कहा है कि सभी निमित्त बनेंगे, सहयोगी बनेंगे बाबा का झंडा लहराने के लिए। तो फिर सभी के सहयोग से सुखमय दुनिया आने वाली है, ऐसे होगा। तो हमें बस इतना कहना था। तो हम कौन हैं, और हाँ इसमें जो मुख्य बात पवित्रता की कही है, तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बाकी सब भी पवित्र रहते हैं, उससे भी भारत कुछ समय के लिए पवित्रता के आधार से थम गया था, पर यहाँ पर आप लोगों को पवित्र बनाने वाला सुप्रीम बाप है। तो वो जो पवित्रता का आकर्षण है और लाइट हाउस माइट हाउस की बात जो की है, तो हर एक आत्मा अगर लाइट के रूप में रहते हैं तो वो पॉसिबल है। जी होमवर्क देना कल पर। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि पवित्रता की पर्सनालिटी से चारों तरफ क्या करना है, अपनी महादानी और वरदानी वृत्ति से वायुमंडल और वाइब्रेशन का परिवर्तन करना है, लाइट हाउस स्वरूप बनना है। तो कल हम पूरा दिन भर लाइट हाउस बनकर रहे कि मैं पवित्रता का लाइट हाउस हूँ। मुझसे चारों तरफ जो है शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैल रही है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां से सब आत्माओं के जो संकल्प है, वृत्ति है, वो परिवर्तन हो रही है। तो पवित्रता की खुशबू चारों तरफ फैलाएंगे। मैं पवित्रता की अगरबत्ती हूँ, मेरी खुशबू चारों तरफ फैल रही है, आत्माओं को रूहानी आकर्षण कर रही है। तो इस श्रेष्ठ संकल्प में हम पूरा दिन भर रहेंगे। ओम शांति। भाई जी आप योग कराएंगे? जी वैसे भी बाबा का ये जो रोज की मुरली आती है ना, शायद आप सुनते होंगे ना कि रोज की मुरली में भी नीचे, हर मुरली के नीचे जो ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप का हो जाता है, तो क्या क्या अभ्यास करना है वो भी होमवर्क आप ले सकते हैं। अभी लास्ट के 10 मिनट, थोड़ा सा इसी जनवरी मास चालू है ना, तो थोड़ा सा इस योग को बढ़ाएंगे। सबको पहले भी बोला था कि 1 घंटा सबने एक्स्ट्रा निकालना, भले आप सेंटर पर जाओ वहां पर योग करो, ऐसा भी करो मना, यानी सुबह जाओ शाम जाओ मुरली के पहले जाओ बाद जाओ, लेकिन 1 मास हमें एक्स्ट्रा योग करना है, 1 घंटा।
और जिनको पॉसिबल ही नहीं है वो बोले घर में करे, लेकिन ऐसा बैठ कर कहे कि जैसे हम सेंटर पर बैठकर सामने बैठकर योग करते हैं, तो ऐसा सभी बैठ जाए भी। बिल्कुल एकदम शांत होकर, एकाग्र होकर, हो सके तो एकांत में बैठना। और ऐसे सामने विजुअलाइज करना कि मैं डायमंड हॉल के सामने स्टेज पर बैठी हूँ। और सामने बहुत सारे आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं मुझे देख रहे हैं, तो मेरे स्वयं के ऊपर कितना टेंशन रहेगा। ऐसे स्वयं को देखो और एकदम स्थिर बैठ जाओ। केवल अनुभव करना है अभी जो हमने ज्ञान सुना आज का, एक एक बात को आप चिंतन करना। सबसे पहले मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता, संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता। देखो स्वयं का स्वरूप लाइट और माइट से संपन्न, और उड़कर चले जाओ शांति स्तंभ, जहां पर पवित्रता का स्तंभ लिखा हुआ है, उसके सामने जाकर खड़े हो जाना। सामने बाप दादा को देखना, यानी सारी पवित्रता की वाइब्रेशन आ रही। ऐसा लगना चाहिए कि पवित्रता का सूर्य मुझे पवित्रता के शक्तियों से संपन्न बना रहा है। वो महसूस करो, तो पवित्रता की लहरें अनुभव करो। पांडव भवन के अंदर जो स्तंभ है, पवित्रता का स्तंभ, केवल महसूस करना बाबा की शक्तियों को। और देखना सामने ऐसा नहीं कि बाबा ने मुझे इतना भरपूर कर रहे, इतना भरपूर कर रहे, जो मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है, जो आत्मा की प्यास थी बुझ रही है, और संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता, 100% प्योर आत्मा बन चुकी हूँ। स्वयं को स्पष्ट देखे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, स्वयं को स्पष्ट देखे, और देखने के साथ साथ उसमें स्थित हो जाना।
और धीरे धीरे बाबा से कुछ न कुछ वायदा कर। बाबा ने कहा वायदा किया तो निभाना पड़ता है, पवित्रता का वायदा बाबा से करो आज। संपूर्णतः बाबा ने जो कहा है मुझे करना है बस। बहुत स्ट्रांग फीलिंग करना बाबा के साथ, इस शांति स्तंभ के पास। अब धीरे धीरे जाओ अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में। बाबा का हाथ पकड़कर बाबा मुझे ऊपर की तरफ, सूक्ष्म वतन की तरफ ले जा रहे। और खास बाबा आज मेरे लिए कुछ बातें बता रहे हैं, मेरे लिए। आज की मुरली के अनुसार बाबा से कुछ बातें चिंतन करो, क्या करना है बाबा के साथ। बाबा ने कहा सफल करो, सफल करो, क्या सफल कर, चिंतन करो बाबा के साथ। बाबा के साथ शेयर करो आज का सारा दिन का पोता मिल, शेयर कर सकते क्या हुआ सारा दिन भर में, क्या क्या विकर्म हुआ, कहाँ कहाँ पर माया ने हमें हरा दिया, चेक करो और बाबा को बताओ। पापा के साथ शेयर करो केवल। जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, बाबा को बताओ और आगे के लिए बाबा से राय लो। बस एक ही संकल्प करना, मुझे परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन करना है, वतन में बाबा के साथ शेयरिंग करना,
धीरे धीरे बाबा के साथ, बाबा के दोनों हाथों में हाथ दे दो और बाबा के आंखों से, बाबा के नैनों से, मस्तक से मुझे बहुत अच्छी शक्ति आ रही। खुद बाबा मुझे थैंक्स बोल रहा है। तो ऐसे ही सोने से पहले 10-15 मिनट योग करके सो जाएंगे सभी। तभी दो भ्रुकुटी के बीच में आना, अगर किसी को कुछ और योग करने तो कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।